हेलो एवरीवन, आज हम क्रॉप न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज व्हाट इज़ क्रॉप न्यूट्रिशन। देखिए, एक प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एक क्रॉप न्यूट्रिएंट्स ऑप्टेक करता है फ्रॉम सॉइल एंड उससे जो यूटिलाइज करता है उसी उसकी स्टडी को हम बोलते हैं क्रॉप न्यूट्रिशन। ठीक है। देन जो एलिमेंट्स प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं वो यूटिलाइज करते हैं, इट कैन बी डिवाइड इंटू टू टाइप्स, एसेंशियल एलिमेंट्स एंड नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स। देन व्हाट इज़ क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, इसका मतलब क्या है कि हम कुछ एलिमेंट्स को एसेंशियल एलिमेंट्स बोलते हैं तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, व्हाट आर द क्राइटेरियाज इट फॉलोज, दैट इज़ क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी। दिस कॉन्सेप्ट वॉज प्रपोज बाई अर्नॉन एंड स्टाउट इन 1939। ठीक है। एंड दे कंसिडर 16 एलिमेंट्स बट लेटर निकल वॉज एडेड, सो टोटल 17 एलिमेंट्स एसेंशियल एलिमेंट्स में हैं। एंड द क्राइटेरिया आर, फर्स्ट क्राइटेरिया इज कि उस एसेंशियल न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से प्लांट की जो वेजिटेटिव या रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है। सेकेंड इज द डेफिशिएंसी ऑफ द एलिमेंट इज स्पेसिफिक, मतलब अगर वो एलिमेंट नहीं है तो कोई अदर एलिमेंट उसे रिप्लेस नहीं कर पाएगा, सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा। एंड द थर्ड पॉइंट इज एलिमेंट डायरेक्टली टेक्स पार्ट और इन्वॉल्व्स इन न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट एंड हैज डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द प्लांट। ओके, सो दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी एंड देर आर 17 एसेंशियल एलिमेंट्स गिवन बाय अर्नॉन एंड स्टाउट। व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सल्फर, बोरॉन, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन एंड निकल। तो इतने एसेंशियल एलिमेंट्स हैं एंड द बाकी जो रेस्ट दे दोज आर नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स। सो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। तो फोर वेज में हम एसेंशियल एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर पाएंगे, क्वान्टिटी ऑफ न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड, मोबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट इन सॉइल, मोबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट विद इन प्लांट एंड फंक्शंस इन प्लांट। फर्स्ट इज क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड। ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी रिक्वायर्ड देर आर थ्री टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट, बेसिक न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो फर्स्ट इज बेसिक न्यूट्रिएंट। व्हाट इज बेसिक न्यूट्रिएंट, एक प्लांट का जो ड्राई मैटर है 96% ऑफ इट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दिस बेसिक न्यूट्रिएंट, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। Among this, carbon and oxygen constitute 45% and hydrogen is 6%. Okay, so this is why it is called basic nutrient. Second is macronutrient. Macronutrient का मतलब क्या है कि plant को इन elements को ज़्यादा quantity में चाहिए होता है। These nutrients are required in larger quantities. These are 9 in number: nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, sulfur, sulfur, carbon, hydrogen and oxygen. तो देखिए, जो फर्स्ट में रेड में 3 नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम लिखा है, दो आर प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स एंड जो कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, दीज थ्री आर आल्सो नोन एज सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। नेक्स्ट इज क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब दीज न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज एंड दे आर आल्सो नोन एज माइनर ट्रेस एलिमेंट्स। दीज आर 18 नंबर: मैंगनीज, आयरन, जिंक, कॉपर, बोरॉन, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन एंड कोबल्ट। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट इन सॉइल। मोबिलिटी का मतलब क्या है कि कोई चीज़ अगर फ्रीली मूव कर सकता है, दैट इज मोबिलिटी। एंड मोबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सॉइल, सॉइल में किस तरह से मूवमेंट करता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिवाइड इनटू थ्री टाइप्स: मोबाइल न्यूट्रिएंट, लेस मोबाइल न्यूट्रिएंट, इमोबाइल न्यूट्रिएंट। मोबाइल न्यूट्रिएंट, देखिए, द न्यूट्रिएंट्स आर हाईली सॉल्युबल एंड आर नॉट एब्सॉर्ब्ड ऑन क्ले कॉम्प्लेक्सेस। देखिएगा, न्यूट्रिएंट्स आर हाईली सॉल्युबल। सॉल्युबल का मतलब क्या है कि वो न्यूट्रिएंट पानी में जल्दी मिक्स हो जाते हैं, मतलब कम्प्लीटली सॉल्युबल हो जाता है। तो अगर वो न्यूट्रिएंट मोबाइल होगा तभी तो वो मिक्स हो पाएगा अच्छे से, तभी तो सॉल्युबल हो पाएगा। एंड दीज आर नॉट एब्सॉर्ब्ड ऑन क्ले कॉम्प्लेक्सेस। क्ले एडसॉर्ब्ड का मतलब क्या है कि क्ले के ऊपर वो चिपक जाएगा, स्टिक हो जाएगा, क्ले के वॉल्यूम मतलब अंदर एंटर नहीं करेगा, जस्ट ऑन द आउटर सर्फेस इट विल बी स्टिक। ओके, उसको एडसॉर्ब्ड बोलते हैं। बट मोबाइल न्यूट्रिएंट्स क्या है कि दीज आर सॉल्युबल बट दे आर नॉट एडसॉर्ब्ड। ओके, एग्जाम्पल्स देखिए, नाइट्रेट, सल्फेट, इस सब। लेस मोबाइल न्यूट्रिएंट्स, दे आर सॉल्युबल बट दे आर एडसॉर्ब्ड ऑन क्ले कॉम्प्लेक्स, सो देयर मोबिलिटी इज रिड्यूस्ड। तो देखिए, एक तो वो सॉल्युबल है
बट क्या है कि वो उस क्ले कॉम्प्लेक्स में चिपक जाते हैं न्यूट्रेंट इन सॉइल. अगर वो सॉइल के ऊपर चिपक गया तो वो प्रॉपरली मोबाइल नहीं हो पाएगा ना. सो देयर मोबिलिटी इज रिड्यूस्ड. एंड इमोबाइल न्यूट्रेंट्स एग्जाम्पल्स देखिए, एमोनियम, पोटेशियम, कैल्शियम आयन्स, मैग्नीशियम आयन्स, ये सब इमोबाइल न्यूट्रेंट्स. मतलब दीज आर नॉट मूवेबल एट ऑल. न्यूट्रेंट्स न्यूट्रेंट आयन्स आर हाईली रिएक्टिव एंड गेट फिक्स्ड इन सॉइल. मतलब दे आर बहुत रिएक्टिव है और फिक्स्ड मतलब एंड गेट फिक्स्ड इन सॉइल. फिक्सेशन मतलब क्या, मतलब टेंडेंसी ऑफ न्यूट्रेंट्स टू बिकम टाइड अप इन सॉइल एंड देयरफॉर लेस अवेलेबल टू द क्रॉप. तो क्या इमोबाइल न्यूट्रेंट्स सॉइल में बहुत जुड़ जाते हैं एंड वो क्रॉप के लिए अवेलेबल नहीं हो पाता. ठीक है, सो दीज आर इमोबाइल न्यूट्रेंट्स. एग्जाम्पल आर जिंक आयन्स, डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट आयन्स. ठीक है, अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखिए. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी विद इन प्लांट. तो फर्स्ट पढ़ रहे थे तो क्या मोबिलिटी ऑफ न्यूट्रेंट विद इन द सॉइल, बट ये मोबिलिटी ऑफ न्यूट्रेंट्स विद इन द प्लांट. हाईली मोबाइल, मॉडरेट इमोबाइल, लेस मोबाइल, इमोबाइल. एग्जाम्पल देखिए, हाईली मोबाइल का नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम. मॉडरेटली मोबाइल का जिंक, लेस मोबाइल सल्फर, आयरन, मैंगनीज, क्लोरीन, मॉलिब्डेनम, कॉपर. इमोबाइल, टोटली इमोबाइल कौन से एलिमेंट्स, कैल्शियम एंड बोरन. ओके, सो फोर्थ वे टू क्लासीफाई इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इन प्लांट. फर्स्ट इज एलिमेंट्स दैट प्रोवाइड बेसिक स्ट्रक्चर टू द प्लांट. तो दीज आर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. दे फॉर्म द ड्राई मैटर, कॉन्स्टिट्यूट द ड्राई मैटर ऑफ द प्लांट. सेकेंड, एलिमेंट्स यूजफुल इन एनर्जी स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, बॉन्डिंग, ये सब के लिए. विच आर दीज आर एक्टिव एंड वाइटल फॉर लिविंग टिश्यूज. एग्जाम्पल, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फरस. थर्ड, एलिमेंट्स नेसेसरी फॉर चार्ज बैलेंस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम. एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन एंजाइम एक्टिवेशन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. उसके एग्जाम्पल्स है आयरन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, बोरन, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन. अब क्लासिफिकेशन इज कम्प्लीटेड. नेक्स्ट एक टर्म है बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट. इसका मतलब क्या है, दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट बट देयर एप्लीकेशन इंक्रीजेस यील्ड अप टू सम एक्सटेंट. तो ये जो एलिमेंट्स है वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में इंक्लूडेड नहीं है बट इसके एप्लीकेशन से प्लांट का जो यील्ड है वो बढ़ जाता है. बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स चार थे, वैनेडियम, कोबाल्ट, सोडियम एंड सिलिकन. सो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्लस बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स दोनों मिलके हम कहते हैं उसको फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स. 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट, 4 बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट मिलके बनता है 21. दोज आर फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स. अब देखो जो न्यूट्रिएंट मोबिलिटी, न्यूट्रिएंट जो मूवमेंट करता है ना वो टू डायरेक्शन में करता है, एक एक्रोपेटल, एक बेसिपेटल. एक्रोपेटल मतलब मीन्स टूअर्ड्स द एपेक्स, मतलब अपर साइड. एंड इट ट्रांसपोर्ट्स इन जाइलम. बेसिपेटल मीन्स टूअर्ड्स द बेस. सो इन इन प्लांट दिस इज एक्रोपेटल एंड दिस इज बेसिपेटल. ठीक है, एक्रोपेटल मीन्स टूअर्ड्स एपेक्स, बेसिपेटल मीन्स टूअर्ड्स द बेस. अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट्स का फंक्शंस एंड डेफिशिएंसी देखेंगे. तो फर्स्ट इज हम कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे बिकॉज तीनों का यूज ऑलमोस्ट सेम है. दीज आर नॉन मिनरल एसेंशियल एलिमेंट्स, कॉमनली एंटर ए बॉडी एज CO2 एंड H2O. नॉन मिनरल एलिमेंट का मतलब क्या है कि दोज आर फाउंड इन एयर एंड वाटर, नॉट इन सॉइल. ठीक है, दीज एलिमेंट्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, कॉन्स्टिट्यूट ओवर 90% ऑफ टोटल ड्राई मैटर, ऑल्सो कॉमनली नोन एज फ्रेमवर्क एलिमेंट. नेक्स्ट इज नाइट्रोजन. अब देखिए नाइट्रोजन का फंक्शन, मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ प्रोटीन, प्यूरिन, पिरिमिडिन, विटामिन, क्लोरोफिल, इन सबका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है. और जो एंजाइम का एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है लाइक कोएंजाइम्स लाइक FAD, NAD, NADP एक्सेट्रा. और नाइट्रोजन का एक कैरेक्टरिस्टिक है क्या, वो जो ओल्डर लीफ जब येलो हो जाता है तो उसका नाइट्रोजन वो यंगर पार्ट्स में ट्रांसफर होता है. इट पासेस टू यंगर पार्ट्स इन द फॉर्म ऑफ एमाइन्स एंड एमाइड्स. नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखिए. फर्स्ट इज स्टॉन्टेड ग्रोथ ड्यू टू रिड्यूस्ड सेल डिवीजन एंड डॉर्मेंट लेटरल बड्स. लेटरल बड्स के ऑक्सिलरी बड्स. सपोज दिस इज अ प्लांट, ये एक स्टेम है और ये एक लीफ है. तो इस पर्सन पे जो बर्ड प्रेजेंट होता है दैट इज लेटरल बर्ड. ओके एंड ओके, सो लेटरल बर्ड डोरमेंट होता है और सेल डिवीजन
का प्रोसेस वो भी रिड्यूस हो जाता है, दिस इज वाई देर विल बी स्टंटेड ग्रोथ. नेक्स्ट इज क्लोरोसिस. क्लोरोसिस में क्या होता है कि येलोइंग ऑफ लीव्स, ड्यू टू येलोइंग ऑफ लीव्स प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा बिकॉज फोटोसिंथेसिस ऑकर्स ओनली इन ग्रीन लीव्स. सप्रेस्ड और लेट फ्लावरिंग, फ्लावरिंग नहीं होता. थर्ड एलिमेंट इज फॉस्फरस. फंक्शन, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ फॉस्फोलिपिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड, कोएंजाइम्स एक्सेट्रा. इन सब का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट है फॉस्फरस. और डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है, पर्पल और रेड पिगमेंटेशन ऑन लीव्स, प्रीमैच्योर फॉल ऑफ लीव्स एंड फ्लोरल बर्ड्स लीव्स एंड जो बर्ड्स होते हैं फ्लोरल बर्ड्स वो बहुत जल्दी गिर जाते हैं प्लांट से. एंड सीड जर्मिनेशन में भी डिले होता है प्रोसेस. फोर्थ इज पोटेशियम. ओके, पोटेशियम का फंक्शंस देखिए, एसेंशियल फॉर स्टोमाटल ओपनिंग, ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर, प्रोटीन सिंथेसिस, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल टर्गर. तो स्टोमाटा ओपनिंग में और शुगर ट्रांसलोकेशन, प्रोटीन बनने के प्रोसेस में, ये सब में पोटेशियम का एसेंशियल रोल होता है. एंड डिटरमाइन द एनायन कैटायन बैलेंस इन सेल. सेल में जो पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस, एनायन कैटायन बैलेंस, उसका वो डिटरमाइन करता है पोटेशियम. एंड डेफिशिएंसी सिम्टम देखेंगे, लॉस ऑफ कैम्बियल एक्टिविटी. कैम्बियल एक्टिविटी का मतलब यह है जो प्लांट का जो कैम्बियल रिंग्स है, जो कि रीजन है मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ के लिए, वो कोल्डर क्लाइमेट टेम्परेचर में क्या हो जाता है, डॉर्मेंट हो जाते हैं. एंड स्प्रिंग समर्स में वो ग्रो करता है. तो ये जो साइक्लिक चेंज है, सीजनल चेंज है, वो लूज करता है प्लांट ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम. सेकेंड पॉइंट, मॉटल्ड और मार्जिनल क्लोरोसिस फॉलोड बाय नेक्रोसिस ऑफ लीफ टिप. मार्जिनल क्लोरोसिस का मतलब क्या है कि जो लीफ है उसके मार्जिन में येलोइंग होना शुरू स्टार्ट होता है. येलोइंग ऑफ लीफ मार्जिन इज कॉल्ड मार्जिनल क्लोरोसिस. देन लॉस ऑफ एपिकल डोमिनेंस लीड्स टू रोजेटी और बुशी हैबिट. एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या है कि प्लांट का जो शूट होता है, शूट का टिप पे जो बर्ड होता है, दैट इज एपिकल बर्ड. वो जो एपिकल बर्ड होता है वो डोरमेंट हो जाता है. सपोज दिस इज द प्लांट, और इसका जो एपिकल बर्ड है वो अगर डोरमेंट हो गया तो प्लांट विल नॉट ग्रो लॉन्गर. ओके, इट विल नॉट ग्रो वर्टिकली. उस वो लेटरल बर्ड से ही ग्रो करता है, जिस वजह से वो टॉल नहीं हो पाता, एक बूसी लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है. ओके, ठीक है. सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज कैल्शियम. फंक्शन, यूज इन कैल्शियम पैक्टेड इन मेडिल लैमेला ऑफ सेलवर एंड यूज इन फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल एंड सर्टेन एंजाइम्स के एक्टिवेशन के लिए भी कैल्शियम यूज होता है लाइक एटीपेज, काइनेज, इस तरह के एंजाइम्स में. डेफिशिएंसी सिम्टम्स, फर्स्ट इज स्टंटेड ग्रोथ. नेक्स्ट इज क्लोरोसिस. नेक्स्ट इज डाउनवर्ड लुकिंग एंड डिफॉर्मेशन इन यंग लीव्स. ठीक है. नेक्स्ट इज नेक्रोसिस ऑफ यंग मेरिस्टेमेटिक रीजन सच एज रूट टिप्स ऑफ यंग लीव्स. नेक्रोसिस का मतलब है टोटल डेथ ऑफ द लीव. क्लोरोसिस का मतलब तो पता है येलोइंग ऑफ लीफ, और नेक्रोसिस मतलब डेथ ऑफ प्लांट टिश्यू. नेक्स्ट एलिमेंट इज मैग्नीशियम. फंक्शन, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ क्लोरोफिल. मेंटेन इज राइबोसोम स्ट्रक्चर एंड क्रोमेटिन फाइबर. एक्टिवेट्स एंजाइम इन रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए. डेफिशिएंसी क्या है, क्लोरोसिस बिटवीन लीफ वेन्स. लीफ का जो वेन्स है उसके बिटवीन क्लोरोसिस होता है, दैट इज येलो पड़ जाता है लीफ. और नेक्रोटिक और पर्पल स्पोर्ट्स ऑन ओल्डर लीव्स में पर्पल स्पोर्ट्स होते हैं. ये प्री मेच्योर लीफ एब्सेंस. लीफ एब्सेंस का मतलब होता है जो लीफ सेड हो जाते हैं, मतलब लीफ ओल्ड बहुत टाइम के बाद येलो होके जो गिर जाता है उसको लीफ एब्सेंस कहते हैं. प्री मेच्योर मतलब जल्दी, उसके टाइम से, गिरने के टाइम से पहले ही वो जल्दी झड़ जाता है लीफ. ओके, नेक्स्ट एलिमेंट सल्फर. फंक्शन, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ एमिनो एसिड लाइक सिस्टाइन, मिथियोनाइन. ठीक है, ये सबका इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट है. इट इज ऑल्सो मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ कोएंजाइम ए, विटामिन, फेरोडॉक्सिन. इट इज एसेंशियल फॉर स्टेबिलाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बाय फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बोन बिटवीन टू सिस्टाइन टू रिड्यूस रेसिड्यूज टू फॉर्म ए सिस्टाइन. ये देखिए, ये एक सिस्टाइन
ये एक सिस्टाइन है और यहाँ पे सल्फर बॉन्ड से ज्वाइन हो गए, ये फॉर्म होता है सिस्टाइन विच इज मोर स्टेबल. ओके फोर्थ इज कैरेक्टरिस्टिक पंजेंट ऑर्डर ऑफ मस्टर्ड ऑनियन गार्लिक. ये जो ऑनियन गार्लिक का एक पंजेंट स्मेल होता है वो सल्फर प्रेजेंस के वजह से होता है. ओके डेफिशिएंसी सिम्टम देखिए, दो सल्फर और नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी सिम्टम ऑलमोस्ट सिमिलर है. तो बिकॉज सल्फर एंड नाइट्रोजन कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ प्रोटीन, बोथ आर कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ प्रोटीन, दैट इज वाई द डेफिशिएंसी सिम्टम्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.